एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। जब भी आप एम्बेडेड सिस्टम की स्टडी करते हो, एम्बेडेड सिस्टम की डिजाइनिंग में आप जब जाते हो या कैरियर बनाते हो, तो सबसे हमारा जो बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो यही होता है कि हमारा साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है। जब भी आप एम्बेडेड सिस्टम की डिज़ाइन करना चाह जा रहे हो या फिर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो एम्बेडेड सिस्टम में, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो एम्बेडेड सिस्टम का जो फर्स्ट हमारा जो वीडियो होना चाहिए, फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए साइबर फिजिकल सिस्टम पे, कि साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है, साइबर फिजिकल सिस्टम का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग साइबर फिजिकल सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि ये एम्बेडेड सिस्टम की डिजाइनिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि साइबर फिजिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है। साइबर फिजिकल सिस्टम को आप देखो तो सीधा सीधे यहाँ पे दो वर्ड है। ठीक है, एक हमारा है साइबर, ठीक है, अब प्लस अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास है फिजिकल। ठीक है, हमारे पास दो वर्ड है, एक हमारा साइबर और जो हमारा सेकंड है वो क्या है, फिजिकल। अब देखो साइबर और फिजिकल से क्या रिलेशन है। साइबर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, साइबर का बेसिक मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है ना। और फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो भी आप रियल लाइफ में देख रहे हो, कोई मशीन को देख रहे हो, ठीक है, कोई भी आप मशीन देखते हो, ठीक है, कार देख रहे हो, रोबोट देखते हो, ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे फिजिकल सिस्टम है। मतलब क्या हो रहा है साइबर फिजिकल सिस्टम का, कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ऑपरेट करे या कंप्यूटर एल्गोरिदम पे चले। मतलब कि अ सिस्टम विच इज़ ऑपरेटेड बाई अ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स। ठीक है, आप कंप्यूटर एल्गोरिदम के हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी मशीन को या आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक साइबर फिजिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर साइबर फिजिकल सिस्टम की बात आती है तो हमारे पास दो टर्म हो गए, साइबर और फिजिकल, कंप्यूटर बेस और मशीन या कार। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग करोगे आप, क्योंकि किसी भी मशीन को या डिवाइस को आपको ऑटोमेटिक ऑपरेट कराने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए एक प्रोग्रामर चाहिए जरूरत है। ठीक है, आपको क्या जरूरत है, आपको एक प्रोग्रामर डिवाइस की जरूरत है ना, प्रोग्रामर डिवाइस की जरूरत है। ठीक है, आपको प्रोग्रामर डिवाइस की जरूरत है, जो कि हमारा कौन काम करता है, माइक्रो कंट्रोलर काम करता है ना, हमारा क्या काम करता है, माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो साइबर फिजिकल सिस्टम जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर बेस कराना है। मतलब आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो, किसी रिमोट से सेंसर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर। तो आपको माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम पढ़ने के लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको माइक्रो कंट्रोलर बेस सर्किट डिज़ाइन करने आना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपको करना क्या, एक ऑटोमेटिक सर्किट आपको डिजाइन करना है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक सर्किट बनाना है जिसमें कि वो हर एक काम ऑटोमेटिक करे। अगर इसका मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो आप रोबोटिक्स का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करता हूं तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, रोबोटिक्स। आप रोबोटिक्स का एग्जांपल ले सकते हो कि रोबोट क्या होता है, रोबोट को आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो एंड रोबोट क्या करता है, उस काम को परफॉर्म करके दिखाता है। ठीक है, तो हमारा क्या काम होता है, रोबोटिक्स में काम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसका यूज़ जो होता है वो आर्मी के लिए भी यूज़ होता है, आर्मी में भी यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मशीनरी लगे हुए हैं जो कि ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हो, मैं बात करता हूँ तो इसराइल के पास जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि अगर इसराइल पर कोई भी अटैक होता है, हमला कोई भी अगर अदर कंट्री या कोई भी उस पर करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक ऑटोमेटिक हमारा वो बैलिस्टिक मिसाइल जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट कब होगा, वो काम करेगा प्रोग्रामर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर। अब जब मैं आपको अगली वीडियो में जब मैं एम्बेडेड सिस्टम की डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा कि बेसिक एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक कैसे होगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सेंसर। आप सेंसर यूज़ करोगे, सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा कि अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग एरियाज़ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो बेसिक हमारा इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है एम्बेडेड सिस्टम का, वो एक सेंसर भी होता है, और इस सेंसर को जो सेंस करता है, ठीक है, सेंसर की जो सेंसिंग कैपेसिटी होती है, एक मैं आपको टेक्निकल टर्म बता रहा हूं, ठीक है, जो सेंसर सेंस कर रहा है ना, जो सेंसर सेंस कर रहा है, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्फीयर ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्फीयर ऑफ कंट्रोल। जब आप एम्बेडेड सिस्टम में और आगे जब स्टडी करोगे, क्योंकि देखो जनरली होता क्या कि आप लोग, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, आप बुक को प्रीफर नहीं करते हो, आप क्या करते हो, केवल यूट्यूब्स के वीडियो लेक्चर वगैरह जो भी आपको मिलता है ट्रेनिंग, वो आप केवल वहाँ से कवर कर लेते हो, तो आपको फिर ये सब इशू आती है कि आपका टेक्निकल वर्ड नहीं होता। आप इंटरव्यू में आप बैठे हुए, आपको सीधे बोलेगा एक्सप्लेन या डिफाइन द स्फीयर ऑफ कंट्रोल, आप सोचोगे कि स्फीयर ऑफ कंट्रोल होता क्या, तो भाई स्फीयर ऑफ कंट्रोल का होता है मतलब जो सेंसर होता है वो सेंस करता है, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो, मैं एक चीज आपको जरूर रिफर करूंगा कि आप अपनी फील्ड की, ठीक है, अपनी फील्ड की आप डिक्शनरी जरूर लो। ठीक है,
ठीक है, आप अपने फील्ड की डिक्शनरी जरूर यूज़ करो। अगर सपोज करो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो डिक्शनरी होती है उसे आप परचेस करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग में क्या प्रॉब्लम है ना कि आप लोग बुक को रिफ़र नहीं करते हो, इसी कारण से क्या होता है कि आपको जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वोकैबलरीज होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, वो आपको पता नहीं होता है। आप समझ जाते हो, आपको पता है कि सेंसर सेंस करता है, ठीक है, सेंसर सेंस करता है, ओके, बट जो सेंस करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो मैं जब आपके साथ वीडियोज़ बनाऊंगा तो मैं हर एक टेक्निकल वर्ड्स को आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वीकनेस क्या होती है, ठीक है। क्योंकि मैं एक एम्बेडेड डिज़ाइन इंजीनियर भी हूँ, मैं हार्डवेयर वगैरह पे इंप्लीमेंट करता हूँ, काम करता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर का मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो मुझे ये सब चीज़ पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इंटरव्यूज़ वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट आप कैपेबल नहीं है कि वो आंसर दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास इस सब चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में एम्बेडेड सिस्टम की डिजाइनिंग को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।